नमस्कार बाल दोस्तों, होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। इरा बहन अपने घर पर टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते सबसे पहले वह ठहाके मारकर हंसने लगी, कुछ देर बाद फूट फूट कर रोने लगी। अंत में वह गंभीर होकर टीवी देखने लगी। तो बाल दोस्तों, यहां पर तीन क्रियाएं हुई। पहले तो वह हंसने लगी, बाद में रोने लगी और अंत में गंभीर होकर टीवी देख रही है। ऐसा क्यों हुआ होगा, आप सोचिए। तो आप अपना तर्क बताइए जरा। हाँ, हम तर्क कर सकते हैं कि सबसे पहले इला बहन जब टीवी देख रही थी तो उसमें हास्य का कोई कार्यक्रम आ रहा होगा, अर्थात कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा या कपिल शर्मा का जो शो आता है उस प्रकार का कोई शो शुरू होगा जिसमें चुटकुला सुनकर वह ठहाके मारकर हंस रही होगी। या हम कह सकते हैं कि टीवी देखते देखते उनके पास कोई व्यक्ति उन्हें चुटकुला सुना रहा होगा, इसीलिए वह ठहाके मार के हंस रही होगी। दूसरा, बाद में वह फूट फूट कर रोने लगी थी। तो हम तर्क दे सकते हैं कि जब वह टीवी का कार्यक्रम देख रही थी तो विदाई का कोई प्रसंग आ रहा होगा, इसीलिए वह फूट फूट कर रोने लगी होगी, या अपनी शादी का वीडियो देख रही होगी जिसमें विदाई का कोई प्रसंग, उनकी विदाई का प्रसंग आया होगा, इसलिए वह अपने परिवार के लोगों को याद करके रो रही होगी। या जब वह टीवी देख रही थी तब उसे कोई फोन आया होगा और उसका कोई अपना जो करीबी है उसका निधन हो गया है, इसका समाचार सुन के भी फूट फूट कर रोने लगी होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। बाद में वह गंभीर होकर टीवी देख रही थी। तो हम तर्क लड़ा सकते हैं या तर्क दे सकते हैं कि बाद में वह कोई समाचार की चैनल देख रही होगी जिसमें कोई गंभीर विषय पर समाचार प्रकट हो रहे होंगे। या हम कह सकते हैं कि या अकस्मात की कोई घटना का वह वीडियो देख रही होगी और गंभीर हो गई होगी। तो बाल दोस्तों, इस प्रकार एक ही घटना के कई अलग अलग तर्कपूर्ण उत्तर हम दे सकते हैं। किसी एक विषय पर तर्कपूर्ण रीत से चिंतन करना, मनन करना और अपना मत प्रकट करना, इसे तार्किक चिंतन कहा जाता है। ऐसे ही तार्किक चिंतन को लेकर एक इकाई हमारी किताब में 10वें क्रम पर दी गई है जिसका शीर्षक है अंदाज अपना अपना। तो बाल दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे, तो आप कृपया पृष्ठ क्रमांक 59 निकाले। तो चलिए बाल दोस्तों, शुरू करते हैं अब हम आज की पढ़ाई। बाल दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि यहां पर दिमागी दौड़ नामक शीर्षक दिया गया है। इसमें तीन प्रसंग दिए गए हैं। इनमें से जो पहला प्रसंग है
इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका पठन सुनेंगे। तो चलिए हम पहले प्रसंग का पठन सुनते हैं। दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील हैं। वह अपनी पत्नी लीना और व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। चार दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थीं और टूट गई थीं। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, हमने ध्यान से पहले प्रसंग का पठन सुना। अब आप सोचिए, आप अपना दिमाग लड़ाइए और तर्कपूर्ण उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। इस प्रसंग के संदर्भ में हम इस प्रकार के तर्क दे सकते हैं। हम दे सकते हैं कि बाहर तूफान आया होगा। जब तूफान आता है तो जोर से पवन भी चलता है, तो पवन के साथ पत्ते और फूल झड़ गए होंगे और उनका जो घर है इसमें मिट्टी आ गई होगी और पवन के कारण लीना और व्रज की तस्वीरें नीचे गिर गई होगी। ऐसा हम तर्क दे सकते हैं। आइए दूसरा तर्क देखते हैं। दरवाजा खुला रह गया होगा। जब वे चार दिनों के लिए बाहर गए तब दरवाजा बंद करना भूल गए होंगे। तो बाल दोस्तों, हम तीसरा तर्क इस प्रकार दे सकते हैं। चोर आया होगा और जल्दबाजी में दरवाजा पूरा बंद नहीं किया होगा। जब वे बाहर गए तो चोर ने मौका देखकर चोरी की होगी और जल्दबाजी में, क्योंकि चोर चोरी करने आता है तो उसे जल्दबाजी होती है, तो जल्दबाजी में वह पूरा दरवाजा बंद करना भूल गया होगा। इसीलिए धूल और मिट्टी अंदर आ गई होगी और तस्वीरें गिर गई होगी। हम चौथा तर्क दे सकते हैं। भूकंप आया होगा। भूकंप आने पर जब धरती हिलती है तो इस प्रकार की क्रियाएं होती है, इसलिए हम तर्क दे सकते हैं कि भूकंप आया होगा। तो बाल दोस्तों, ये जो पहला प्रसंग था इसमें हम इस प्रकार के तर्क दे सकते हैं। इनके अलावा भी हम तर्क दे सकते हैं। आपको अपनी ओर से सोचना है और तर्क को अपनी कॉपी बुक में अलग से लिखना है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम इसका जो दूसरा प्रसंग है इसका पठन सुनते हैं। परेश भाई किसान हैं। उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स हैं। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गईं। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो बाल दोस्तों, हमने दूसरे प्रसंग का पठन ध्यान से सुना। अपना दिमाग लगाइए, तर्कपूर्ण रीति से सोचिए। तो इस प्रसंग के विषय में हम इस प्रकार के तर्क दे सकते हैं। नल में पानी नहीं आ रहा था। जो हिरल बहन है नल के नीचे मटका तो रख देती है, नल भी शुरू कर देती है, लेकिन पानी ही नहीं आ रहा होगा तो मटका कैसे भरेगा। तो हम इस प्रकार का तर्क दे सकते हैं।
दूसरा तर्क हम दे सकते हैं, मटके में दरार थी, जेल बहन ने जो मटका रखा था उसमें कहीं से दरार होगी, इसीलिए मटका जो है खाली हो गया होगा, दरार वाला जो मटका होता है उसमें से पानी चला जाता है, हम जानते हैं बच्चों। तो अब हम इसका तीसरा जो तर्क है इसे हम देखते हैं। मटके में छेद था, देखिए जिस प्रकार हम तर्क लगाते हैं मटके में दरार थी, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मटके में छेद होगा, छेद से सारा पानी बह गया होगा, इसलिए मटका खाली का खाली होगा। आइए अब हम चौथा तर्क देखते हैं। मटका नल के बराबर नीचे नहीं था, हिरल बहन जब पानी भरने के लिए मटका नल के नीचे रख रही होगी तब मटका नल के नीचे के बजाय थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, तो जब पानी आ रहा होगा मटके में नहीं गया होगा, तो उनका मटका खाली का खाली रह गया होगा, इसलिए वह बाहर जब आई तब अपने आप पर हंसने लगी थी, ऐसा हम तर्क दे सकते हैं। तो बाल दोस्तों इस दूसरे प्रश्न के संदर्भ में हम इस प्रकार के तर्क दे सकते हैं, आप अपने ओर से भी सोचिए और अच्छे अच्छे तर्क एक और लिखिए और अपने साथियों से इस बारे में चर्चा जरूर कीजिएगा। बाल दोस्तों अब हम दिमागी दौर के तीसरे प्रश्न का पठन सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं पठन को। सेजल दो गमले लाई, उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। एक महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना एक महीने पहले। मेरे भोले भोले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, हमने तीसरे प्रश्न का पठन भी सुन लिया है, तो हम इस प्रसंग के संदर्भ में इस प्रकार के तर्क दे सकते हैं। हमारा पहला तर्क है पानी की कमी या अधिकता होगी। दोनों पौधे लाए होंगे, एक पौधे में बराबर पानी दिया होगा और दूसरे पौधे में या तो कम या अधिक पानी दिया होगा, जिसके कारण वह पौधा अपनी वृद्धि नहीं कर सका होगा, ऐसा हम तर्क दे सकते हैं। दूसरा तर्क हम दे सकते हैं प्रकाश हवा का अभाव होगा। बच्चों हम जानते हैं कि पौधे को बढ़ने के लिए प्रकाश और हवा चाहिए, हम कह सकते हैं एक पौधे को प्रकाश और हवा अच्छी मिली होगी, पूर्ण रूप से मिली होगी, और दूसरे पौधे को हवा और प्रकाश कम मिला होगा, इसीलिए उसकी वृद्धि नहीं हुई, ऐसा हम तर्क दे सकते हैं। आइए अब हम तीसरा तर्क देखते हैं, खाद की कमी होगी। बच्चों हम जानते हैं कि वृक्ष की अच्छी वृद्धि के लिए उसे सही मात्रा में खाद चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि एक पौधे को ठीक ढंग से खाद दिया गया होगा और दूसरे पौधे को खाद नहीं दिया गया होगा, इसलिए उसकी वृद्धि नहीं हुई, ऐसा हम तर्क दे सकते हैं। अगला तर्क हम इस प्रकार दे सकते हैं, बीज खराब होगा। जो पौधा एक महीने बाद अच्छी तरह से वृद्धि प्राप्त कर ली, बढ़ गया था, उसका बीज अच्छा होगा और दूसरा जो पौधा है इसका बीज सही नहीं होगा या खराब होगा, ऐसा हम तर्क दे सकते हैं। तो बाल दोस्तों इस तीसरे प्रसंग के संदर्भ में हम इस प्रकार के तर्क दे सकते हैं, इनके अलावा भी आप अपनी ओर से अपना दिमाग लड़ा के और
तर्कपूर्ण बातें सोच सकते हैं और अपनी कॉपी बुक में आपको लिखना है। तो बाल दोस्तों, दिमागी दौड़ के अंतर्गत जो ये तीन प्रश्न थे इसको हमने समझा और इसके तर्कपूर्ण जो विचार थे इसको भी हमने देखा। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े, इस शीर्षक के अंतर्गत भी हमें तीन प्रसंग दिए गए हैं। इसमें हमें तर्क तो लड़ाना ही है, तर्क तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अपनी कल्पना को भी मिश्रित करना है। आइए अब हम इसके पहले प्रसंग को देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पठन को सुनेंगे, आइए पठन सुनते हैं। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामाती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर एक हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने अपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहां कहां जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो बाल दोस्तों, हमने पहले प्रसंग का पठन सुना, तो अब आपको बताना है ऐसा आपके साथ हो तो आप क्या क्या करेंगे। इस विषय में आप सोचिए कि आपके साथ ऐसा हो और आपको ऐसे चश्मे मिल जाए तो आप क्या करेंगे, जरा सोचिए बाल दोस्तों। तो हम इस प्रसंग के संदर्भ में इस प्रकार के तर्क रख सकते हैं। हमारा पहला तर्क है, हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा। वैसे तो बच्चों, उसे पता ना चले इस प्रकार की कोई क्रिया करना ये ठीक बात नहीं, लेकिन इस प्रकार की सोच आप रख सकते हैं कि किसी हलवाई के यहां जाकर आप मिठाई खा ले। दूसरा तर्क हम दे सकते हैं, मुफ्त में फिल्म या नाटक देखाऊंगा। आप तो सब कुछ देख सकते हैं लेकिन कोई आपको नहीं देख सकता है, इसलिए आप सिनेमा घर में जाकर मुफ्त में फिल्म भी देख सकते हैं और नाटक भी देख सकते हैं। भाई आइए तीसरा तर्क देखते हैं, मुफ्त में जादू का खेल देखाऊंगा। आपको तो कोई देख नहीं सकता, इसलिए जहां पर जादू का खेल चल रहा हो या सर्कस हो वहां पर भी आप जा सकते हैं और मुफ्त में जादू का खेल देखकर आप निकल सकते हैं। भाई अगला तर्क हम दे सकते हैं, पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा। अच्छे अच्छे फल जिस पेड़ पर लगे हो उस पेड़ पर आप चढ़ जाइए और मीठे मीठे फल खाने लगिए। भाई खाने का आपको आनंद आएगा, खाने के बाद आप वहां से तुरंत निकल सकते हैं क्योंकि आपको तो कोई नहीं देख सकता है। तो बाल दोस्तों, हम इस पहले प्रसंग के संदर्भ में इस प्रकार के तर्क रख सकते हैं या हम अपनी कल्पना कर सकते हैं। बाल दोस्तों बहुत बढ़िया, बाल दोस्तों आइए अब हम दूसरे प्रसंग का पठन ध्यान से सुनते हैं।
तो सुनते हैं उसी प्रसंग का पठन। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दीं। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग आए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। तो बाल दोस्तों, हमने दूसरे प्रसंग का पठन भी सुन लिया। अब हम इस प्रसंग के संदर्भ में अपनी कल्पना और तर्क इस प्रकार हम दे सकते हैं। तो आपको पंख मिल गए हैं, तो आप कहां कहां पर जाएंगे, इसके लिए आपके तर्क और कल्पनाएं इस प्रकार की हो सकती है। मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा। बच्चों, हमने धरती से तो आसमान को कई बार देखा है। यदि हमें पंख मिल जाए तो हम उड़कर आसमान के पास जाएंगे और उसे देखेंगे कि वे बादल नजदीक से किस प्रकार के दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, यह हम देखना चाहेंगे। तो हम दूसरी कल्पना इस प्रकार भी कर सकते हैं, मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा। पक्षियों के तो पंख होते ही है, वह तो उड़ते रहते हैं। हमें भी पंख मिल जाए तो हम भी पक्षियों के साथ उड़ेंगे और उसके साथ मित्रता करेंगे। इस प्रकार के की हम कल्पना कर सकते हैं। तो तीसरी कल्पना हम यह भी कर सकते हैं, मैं पहाड़ों पर जाऊंगा। बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जहां पर चढ़ना मुश्किल होता है, तो वहां पर हमें पंख मिल जाए तो हम उड़ के उस पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं और उसकी सुंदरता को नजदीक से हम देख सकते हैं। बच्चों, ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। तो चौथी कल्पना हम यह कर सकते हैं, नए नए देश देखूंगा। दुनिया में कई ऐसे सुंदर देश है जिनको देखने के लिए काफी पैसे चाहिए, लेकिन हमें तो पंख मिल गए हैं तो हमें कोई टिकट भी नहीं देना होगा। उड़ते उड़ते इन देशों को हम देख सकते हैं, ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। बच्चों, तो बाल दोस्तों, इस दूसरे प्रसंग के संदर्भ में हम इस प्रकार के तर्क या हमारी जो कल्पनाएं हैं इसको हम रख सकते हैं। इनके अलावा भी आप अपनी ओर से अपनी कल्पना सोच सकते हैं कि आपको पंख मिल जाए तो आप कहां कहां जाना चाहेंगे और क्या क्या करना चाहेंगे। इस संदर्भ में आप अपनी कल्पना अपनी कॉपी बुक में लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा जरूर करना। बाल दोस्तों, आइए बाल दोस्तों, अब हम इस शीर्षक के अंतर्गत जो तीसरा प्रसंग है इसका पठन सुनते हैं। इस बार आपकी मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहां केवल मिट्टी, कंकड़ पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहां एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, हमने तीसरे प्रसंग का पठन भी अच्छी तरह सुन लिया है। तो इस संदर्भ में हम क्या करना चाहेंगे,
क्योंकि आपको हफ्ते भर निर्जन जगह पर रहना है, तो आप अपने साथ कौन कौन सी चीजें ले जाएंगे, क्या क्या ले जाएंगे, इसके बारे में आपको सोचना है। यहां पर थोड़ी जो चीजें हैं, क्या क्या आप ले जाएंगे, इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। पहले तो हम निर्जन जगह पर जाना है और हफ्ते भर रहना है, इसके लिए हम जरूरी कपड़े ले जाएंगे अपने साथ। जो 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 भी कपड़े हमें चाहिए पहनने के लिए, उससे हम अपने साथ ले जाएंगे। दूसरी विषय में सोचे, खाने की सामग्री ले जाएंगे हम अपने साथ, क्योंकि निर्जन जगह है, वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम खाने की सामग्री भी अपने साथ ले जाएंगे। तीसरा है, खाना बनाने के साधन व सामग्री ले जाएंगे हम। खाना जिसमें बनाया जाता है वे सभी बर्तन, स्टोव और खाना बनाने की जो सामग्री है, इसको भी अपने साथ लेकर जाएंगे। चौथी बात देखें, पीने का पानी ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, केवल समंदर का खारा पानी ही है, तो उसे तो हम पी नहीं सकते, इसलिए हफ्ते भर के लिए जो पानी हमें चाहिए उसको भी हम साथ ले जाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हम सोच सकते हैं कि निर्जन जगह पर हम जा रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजें तो हम ले जा सकते हैं, इनके अलावा भी कई चीजें ऐसी होती है जो हम साथ ले जा सकते हैं। तो बाल दोस्तों, इस एकांकी के अंतर्गत हमने दिमागी दौड़ के तीन प्रसंग थे, इनका पठन भी सुना और वीडियो के माध्यम से हमने इसको समझने का प्रयत्न किया। साथ ही साथ हमने इसमें जो तर्क हो सकता है, जो विवाद हो सकता है, जो चिंतन हम कर सकते हैं, इस विषय में भी हमने सोचा। तो साथ ही साथ हमने तर्क की लगाम और कल्पना के घोड़े, इस शीर्षक के अंतर्गत भी तीन प्रसंग देखे। इसमें हमने अपनी कल्पना के अनुसार विधानों को देखा, साथ ही साथ हम एक सप्ताह तक निर्जन जगह पर जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें साथ में ले जाएंगे, इस विषय में भी सोचा। बाल दोस्तों, इस भाग में तो हमने इसको समझने का प्रयत्न किया। अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सा पात्र इकाई में नहीं है। आपके विकल्प ए भावेश भाई, बी परेश भाई, सी महेश भाई और डी हिरल बहन। अब हम अगले भाग में इस इकाई में जो प्रश्न है इनको समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।